ट्रेंडिंग प्लेसेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्पेन के गुगेनहाइम बिलबाओ में ले जाएंगे। गुगेनहाइम उपनाम जर्मन है, जिसका शाब्दिक अर्थ दलदल हेमलेट या कोयल हेमलेट है। जब बास्क सरकार ने 1991 में सोलोमन आर गुगेनहाइम फाउंडेशन से बिलबाओ के सड़ते हुए बंदरगाह क्षेत्र में एक गुगेनहाइम संग्रहालय बनाने के लिए धन का अनुरोध किया, जो कभी शहर के राजस्व का मुख्य स्रोत था, संग्रहालय उचित रूप से एक बड़ी पुनर्विकास योजना का एक हिस्सा बन गया, जिसका उद्देश्य था औद्योगिक शहर को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाना। नर्वियन नदी के तट पर स्पेन के बिलबाओ में स्थित गुगेनहाइम संग्रहालय जटिल घुमावदार रूपों और आकर्षक भौतिकता का मिश्रण है, जो एक जटिल कार्यक्रम और शहरी औद्योगिक सेटिंग का जवाब देता है। फ्रैंक गेहरी के गुगेनहाइम संग्रहालय बिलबाओ, जिसने 100 से अधिक प्रदर्शनियों की मेजबानी की है और आज तक 10 मिलियन से अधिक आगंतुकों का स्वागत किया है, ने न केवल आर्किटेक्ट और सार्वजनिक दृश्य संग्रहालयों को बदल दिया है, बल्कि बिलबाओ की अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार किया है। वास्तव में बिलबाओ प्रभाव शब्द का उपयोग वास्तुकला के एक उल्लेखनीय टुकड़े के निर्माण के बाद शहर के कायापलट की घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 20 साल बाद संग्रहालय अभी भी कला और वास्तुकला के बीच संबंधों की धारणाओं को चुनौती दे रहा है। जबकि इमारत की धातु की सतह ऊपर से लगभग फूलदार दिखाई दे सकती है, यह वास्तव में बिलबाओ के पूर्व औद्योगिक जीवन के बंदरगाह को ध्यान में रखते हुए जमीन से एक नाव जैसा दिखता है। बाहरी प्रतीत होने वाले यादृच्छिक आकार, जो टाइटेनियम चूना पत्थर और कांच से बने होते हैं, का उद्देश्य सूर्य और मौसम के जवाब में प्रकाश और परिवर्तन को पकड़ना है। 38 मिलीमीटर टाइटेनियम टाइलों में से प्रत्येक में क्लिप को ठीक करने के कारण एक उथला केंद्रिंग होता है, जो प्रकाश के बदलने पर सतह को तरंगित करने का कारण बनता है और पूरी संरचना को एक असाधारण इंद्रधनुष देता है। इमारत की विशिष्ट वास्तुकला, जिसमें एक सर्पिल रैंप शामिल है जो एक गुंबददार रोशनदान की ओर जाता है और आधुनिकता के स्मारक के रूप में कार्य करता है, कभी भी आगंतुकों को चकित नहीं करता है और समकालीन कला की प्रदर्शनी के लिए एक विलक्षण सेटिंग प्रदान करता है। 1997 में खोले जाने के बाद गुगेनहाइम बिलबाओ ने एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता हासिल की, जिसने दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 200 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।